हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल पीसी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूज़र अपलोड कैसे लगाते हैं अपनी वेबसाइट में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है इसमें, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मेरा यूज़र अपलोड आए जो यहाँ पे क्लिक करके मेरा कोई यूज़र अपना सॉन्ग अपलोड कर पाए, तो वो कैसे होता है, चलिए इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। और आप भी अपना वेबसाइट में यूज़र अपलोड लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक इस वीडियो को देखिए, यूज़र अपलोड लगाना आप सीख जाओगे। तो मैं सबसे पहले अपना देखता हूँ कि यूज़र अपलोड का जो कोडिंग होता है वो मेरा किस जगह है। तो दोस्तों देखिए, अपना एडमिन पैनल मैंने खोल रखा है अभी। तो अभी क्या करना है, एक फोल्डर मैं पहले क्रिएट करता हूँ। तो फोल्डर आप कहाँ से कर लेते हो, फाइल मैनेजर में जाके। तो मैं फाइल मैनेजर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक ऐड फोल्डर लिखा हुआ, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने हटा दिया। यहाँ पे लिखता हूँ यूजर सॉन्ग, मैंने एक फोल्डर का नाम यहाँ पे रखा हुआ यूजर सॉन्ग। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, इसे ऐड क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा एक फोल्डर बन चुका है। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर लिखा हुआ, मैं फाइल मैनेजर पे फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड। तो सॉन्ग अपलोड मैं कैसे करता हूँ, तो मैं अपना कोडिंग खोल लेता हूँ कि मेरा कोडिंग किस जगह है। तो मैं यहाँ से यूजर अपलोड को क्लिक करता हूँ। यूजर अपलोड को क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर में देखेंगे, अगर आप ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, यहाँ पे मेरा डोमेन का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद एडमिन लिखा हुआ है, तो अपलोड डॉट पी एच पी यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी तरह मैं अपना सी पैनल को आप बताते हैं, सी पैनल को खोल लेता हूँ अपना। तो सी पैनल में खोजना है मुझे ये कोडिंग किस जगह है, तो सी पैनल के अंदर ही है ना इस कोडिंग को। तो मैं सी पैनल को लॉगिन कर लेता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, मैं सी पैनल को अपना खोल रहा हूँ। अब सी पैनल खोलते हैं, मुझे जाना है फाइल मैनेजर के अंदर, फाइल मैनेजर खोल गया। तो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर सिंपली आपको जाना है, उसके बाद क्या लिखा हुआ था एडमिन, तो एडमिन के अंदर मैं जाता हूँ। एडमिन के अंदर जाने के बाद फ्रेंड, तो वहाँ पे लिखा हुआ था अपलोड डॉट पी एच पी, तो एडमिन पैनल के अंदर तो आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपलोड डॉट पी एच पी। तो मुझे क्या करना है, इसे यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना, शायद इसे आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर ले। तो यहाँ देखिए डाउनलोड हो जाएगा, ये फ्रेंड देखिए इधर डाउनलोड हो रहा है डिफॉल्ट रूप में, यहाँ पे देखिए फ्रेंड डाउनलोड हो गया। या फिर एक दूसरा भी उपाय है, ये पूरा कोडिंग इस जगह आ गया, देखिए फ्रेंड कोडिंग। तो मैं यहाँ काट देता हूँ इसे, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। या फिर इसे सेकेंड में क्या कर सकते हो, ये एक उपाय ये है कि इसे डाउनलोड कर लें, एक उपाय ये है कि इसे क्या करें, आप कॉपी कर लें। आप कॉपी किए, अब ये पूछ रहा है कि कॉपी करना है तो कहाँ पर करना है, मुझे क्या करना है, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर करना है। यहाँ पर मैंने एडमिन को हटा देता हूँ और यहाँ पर बैक स्पेस से एडमिन को हटा के यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो अपलोड डॉट पी एच पी का फाइल मेरे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर होना चाहिए, यानी कि अप लेवल बाहर मैं जाता हूँ एक बार और नीचे आके देखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ नीचे अगर आएंगे यहाँ पे अपलोड डॉट पी एच पी यहाँ पर नज़र आता होगा आपको, तो मैं यहाँ पे देखा जाता हूँ, यहाँ अपलोड डॉट पी एच पी लिखा हुआ है। तो इससे क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके एडिट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से कुछ पार्ट्स आपको डिलीट करना होगा, जो आप एडमिन को खोलोगे इसमें कुछ पासवर्ड लगा हुआ रहता है, वो पासवर्ड को आपको तोड़ा रहता है। तो सिंपली आपको कुछ जानना नहीं है, कुछ करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट्स को डिलीट करना है। ये कह रहा है कि अगर मुझे यहाँ खोला जाए तो मैं एक पासवर्ड मांगूंगा, अगर ये कोडिंग डाला हुआ एडमिन का ही पासवर्ड मांगूंगा। तो मैं इसे एडमिन को यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, तो ये क्या पासवर्ड तो कुछ नहीं मांगेगा। यहाँ मैंने सेव कर देता हूँ, यहाँ पे खोलता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नया टैब को ओपन करना है आपको, और यहाँ पे आपको अपना डोमेन का नाम और अपलोड डॉट पी एच पी आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपलोड का एक फाइल खुल गया, अपलोड फाइल लिखा हुआ, और यहाँ से आप अपना फोल्डर चुन सकते हैं और सॉन्ग को अपलोड कर सकते हैं। ये तो आपको पता है ना कि मैं यहाँ से सॉन्ग को अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन आपके यूज़र को तो नहीं पता है ना, उसके लिए भी कुछ आपको करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको यहाँ से पूरा इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर ले ये वाले लिंक को, और यहाँ से कुछ सेव करके आप डेस्कटॉप पे यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया हूँ, ये देखिए अपलोड डॉट पी एच पी को यहाँ पर सेव कर लिया हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों, यूज़र को हटा, यूज़र डॉट पी एच पी को हटा के अगर मैं खोलता हूँ वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यूज़र को बतलाना होगा, आपको दिखाना होगा कि मेरे वेबसाइट में यूज़र अपलोड का कोड लगा हुआ है। इसलिए आपको इस जगह आपको यूज़र अपलोड का एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो
तो वो कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सी पैनल को खोलना होगा। तो मैं सी पैनल को अपना खोल लेता हूँ। तो सी पैनल को खोलना है आपको, पब्लिक एचटीएमएल को खोलना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखवा सर्विसेस डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे एडिट कर दें इसे, एडिट। मैं फिर से यहाँ एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे कि एक वेबसाइट अपना ओपन किया था, एक दो तीन चार चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी तरह यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार चीज़ यहाँ पे है, डिस्क्लेमर है और है पी एच पी सेट क्रिएट। तो उसी तरह एक फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है ना, उसी तरह एक फोल्डर को यहाँ से मैंने कॉपी कर लेता हूँ, ये कंट्रोल सी। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, उसे कॉपी करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है एच आर ई एफ, उसके बाद यहाँ पे ये इस आड़े को यहाँ से हटा दें। डॉट पी एच पी भी लिखा हुआ है, यहाँ से पूरा को आप हटा दें। यहाँ हटाने के बाद कंट्रोल भी, जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था वो यहाँ पर रख के, और यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर को आप यहाँ से हटा दें। हटाने के बाद यहाँ पे लिख दें यूज़र अपलोड, यू एस ई आर यूज़र अपलोड। दोस्तों यहाँ यूज़र अपलोड पूरा लिखने के बाद, यहाँ यूज़र अपलोड मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। अगर आप चाहे तो यूज़र अपलोड कर लीजिए, यहाँ पे लिखने के बाद इसे ऊपर भी कर सकते हो। कंट्रोल एक्स से मैंने यहाँ से कॉपी हटा लिया पूरा। यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है, सर्विसेज के स्पेस नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ कंट्रोल भी, क्या ये सबसे ऊपर दिखे मेरा, वो कर सकते हैं। और स्पॉन्सर साइट भी नीचे में दिया हुआ है, और यहाँ स्पॉन्सर साइट भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। मैं स्पॉन्सर साइट भी यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं अपना वेबसाइट को एक बार लोड करता हूँ। फिर से लोड करने के बाद ये देखिए नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे यूज़र अपलोड, तो आपको फाइल यहाँ दिख गया, और यहाँ स्पॉन्सर साइट भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यूज़र अपलोड को चेक कर लेता हूँ क्या ये 100% वर्क करती है या फिर नहीं। यूज़र अपलोड पे करूँगा, और यूज़र सॉन्ग पे मुझे सॉन्ग जाना चाहिए, वहाँ पे अपलोड करूँगा, तो वो भी करके देखता हूँ। यूज़र अपलोड पे क्लिक किया मैंने, और कोई एक सॉन्ग को अपलोड करना है। सॉन्ग अपलोड कैसे करते हैं, यूज़र अपलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे यूज़र अपलोड का सॉन्ग क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, कोई भी सॉन्ग डाल देता हूँ। चलिए बेबी डॉल, चलिए बेबी डॉल ही सही, और कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये तो क्रोम ब्राउज़र नहीं है, अंदर नीचे नहीं दिखेगा, फिर भी थोड़ा सा वेट कीजिए, अपलोड होता ही रहेगा। अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे मुझे दिख जाएगी, तो कुछ टाइम लग रहा है अपलोड होने दें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सक्सेसफुल सब कुछ हो गया, अपलोड हो चुका है। मैं देख लेता हूँ अपना फाइल मैनेजर के अंदर जाके, तो मैं फाइल मैनेजर खोल लेता हूँ। ये देखिए यूजर सॉन्ग्स, यूजर सॉन्ग को खोलता हूँ, बेबी डॉल। देखिए फ्रेंड ये रखा बेबी डॉल, ये हो गया है। 5 MB का फाइल था फ्रेंड, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था अपलोड होने में। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, जितना बाइट्स में कर सकूँ उतना डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये 100% वर्क कर गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना, फिर कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।